आप देख सकते हैं ये अभी पुष्प वर्षा की जाएगी और मंदिर के ठीक ऊपर अभी इस हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी। ऊपर चढ़िया दिखा नजारा कहना दिखा बेटो हम हो गया। देखिए कि इन्होंने गुप्त दान किया ये अपने मुंह से नहीं बताएंगे, यकीन मानिए इन्होंने लगभग 50 लाख से अधिक की बोली हम अपने अंदेशे से बता रहे हैं। बार बार न सड़ गई ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्यों भगवान का प्रतिमान दे रहे हैं तो बहुत दिल से खुशी हुई है। ये सब भगवान भोलेनाथ कोटेश्वर महादेव की और गुमराज की कृपा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उमेश चारण और आप जुड़े हैं झलको राजस्थान से। आप पीछे देख रहे हैं तस्वीरों में एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर आ चुका है। मैं कोटेश्वर छप्पन पहाड़ी के बीच में हूं जहां पर कोटेश्वर महाराज यहां पर पिछले 3 से 4 दिन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर चले गए हैं। जो हेलीकॉप्टर की पुष्प वर्षा का जिन लाभार्थी परिवार ने जो जिनके द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी वो लाभार्थी परिवार अभी यहां से फूल लेकर वो हेलीकॉप्टर के लिए सवारी के लिए तैयार हो रहे हैं और उसके अलावा यहाँ से फोटोग्राफी भी करवा रहे। अगले ही कुछ पलों में हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार है और हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ चुका है झलको राजस्थान पे। यह शुरू की वीडियो है, आप देख पा रहे हैं। अब यह हेलीकॉप्टर मंदिर की तरफ जाएगा और मंदिर के ऊपर पुष्प वर्षा करेगा, उसके बाद ठीक इसी जगह वापस आएगा और अगले 5 जने हैं जो लाभार्थी उन्हीं 5 जनों को इसमें अंदर बिठा कर उसके बाद वापिस इस प्रकार से 5 चक्कर निकाले जाएंगे। आप देख सकते हैं ये अभी पुष्प वर्षा की जाएगी और मंदिर के ठीक ऊपर अभी इस हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी। यहाँ से वापस दूसरे 5 जनों को बिठा कर यहाँ से हेलीकॉप्टर रवाना होगा। कितनी धूल और मिट्टी उड़ रही है आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए जो पहले शिफ्ट में गए थे बुजुर्ग गण वो वापिस उतर चुके हैं और नए 5 जने इसमें चढ़ेंगे। भाजी कैडो लागियो आज पहली बार हेलीकॉप्टर में चढ़े जनो? हाँ कैडो लागियो आपने, कितना बढ़िया लागियो? बढ़िया लागो जोरदार। ऊपर चढ़े जनो की कर दिखिया नजारा कैडा दिखिया? डर आवे बेटो खोंगो वे जनो, डर आवे तो खोंगो वे। अच्छा खोंगो वे जनो डर आयो? हाँ तो मैं अगली बार बेटा जनो को नहीं पिया जो मैं हेवा पड़ गया। हाँ अब दूसरे राउंड में हेलीकॉप्टर वापस ठीक उसी तरीके से वापस रवाना होगा। तीसरे राउंड अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये दूसरा राउंड है, दूसरे राउंड में ठीक उसी प्रकार से पुष्प वर्षा की जाएगी। आप देखिए कैमरे में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि अब ठीक बहुत ही जल्दी इसमें पुष्प वर्षा होने वाली है। आप देखिए वो पुष्प वर्षा हो गई है दूसरी बार। ये किसकी तरफ से? देवाराम जी हॉस्पिटल। देवाराम जी हॉस्पिटल। अच्छा तो ये सारा का सारा एक व्यक्ति ने खर्च उठाया है अलग अलग? नहीं नहीं अपना तो एक इंडे का है, शिखर इंडा और हेलीपैड। बहुत ही बढ़िया। आपका सुनना? देवाराम पटेल। देवाराम जी कहाँ के रहने वाले हो? हम यहाँ ही खाकड़े रहने वाले हैं जी और साउथ में रहते हॉस्पिटल कर्नाटका। कलश की बोली इंडा अपने देवाराम जी कितनी लगाई आपने? अब भगवान अमाउंट जरूरत नहीं है। बड़प्पन ने आपका देखिए कि इन्होंने गुप्त दान किया ये अपने मुंह से नहीं बताएंगे, यकीन मानिए इन्होंने लगभग 50 लाख से अधिक की बोली हम अपने अंदेशे से बता रहे हैं। इन्होंने कलश जो इंडा होता है मारवाड़ी भाषा में कहा, उस इंडे के लिए इन्होंने इन्हीं शख्स जो आपके सामने खड़े हैं इन्होंने लगाई है और आप हेलीकॉप्टर की तस्वीरें फिर एक बार देख रहे हैं। झलको राजस्थान का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है, आपको कहीं और किसी और चैनल पर नहीं दिखेगा, ये सिर्फ झलको राजस्थान पर ही दिख रहा है। और जो बुजुर्ग गण इस हेलीकॉप्टर में राइड करके आए हैं उनका आवाज उनके एक्सपीरियंस मैं आपको अलग अलग चरणों में दिखा रहा हूँ। एक ताऊ ने बोला कि खोंगो हुए जना डर लागे, तो इस प्रकार की फनी चीज़ें हैं और बेहद रोचक है ये सारा नज़ारा। हेलीकॉप्टर वापस नीचे की तरफ आ रहा है। ग्रामीण है जो अपनी अपनी बारी का उत्साहित होके बेसब्री से एक्साइटेड होके इंतजार कर रहे हैं। कैसा लगा भाई साहब आपको हेलीकॉप्टर की पहली बार सवारी करके, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। साथ में कौन है ये आपके? सब फैमिली परिवार है। परिवार है हाँ। ये मदर है। आंटी जी कैडो लागियो आज पहली बार हेलीकॉप्टर में चढ़े जनो? बढ़िया लागो, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया अच्छा है। डर वर कौन लागियो? हाँ डर। आप लोग कैडो लागियो भाषा हेलीकॉप्टर में पहली बार चढ़े? बार बार न सड़ गई ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्यों भगवान का प्रतिमान दे रहे हैं तो बहुत दिल से खुशी हुई है। हेलीकॉप्टर ऑटो टेटो हो
करने लगता है। आनंद आयो, आनंद बहुत आनंद आया है। धन्यवाद देना चाहो ये सवारी के लिए। अच्छा धन्यवाद है, बहुत अच्छा किया है, अपन के परमात्मा से खुशी मिल गया पूरी। और जी ग्रामीण पूरे एकदम खुश है, उन्होंने उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र में पहली बार ऐसा हेलीकॉप्टर आया है और बुजुर्ग लोग हैं जो सवारी का आनंद ले रहे हैं, बेहद खुश लग रहे हैं, ये सब आपकी कृपा से हुआ है। और क्या कहना चाहते हो जो खुश लग रहे हैं ग्रामीण उन सभी को? ये सब भगवान भोलेनाथ कोटेश्वर महादेव की और गुरुमराज की कृपा है, जो कुछ आज आनंद दिख रहा है ये सब कुछ उन्हीं की परम आशीर्वाद और परम कृपा है। अलग अलग तरीके हों सवारे कार और लोग आपकी खुशी प्रकट की। मोहरा बाढ़ और मोहरा चेहरों पूरा धूड़ में भरीज गए है, मैं इतना बुरे हालत में हूँ क्योंकि ये मैं धूल बहुत ही खतरनाक तरीके में उड़ी है। और गुरु महाराज की कृपा में ग्रामीण इतना खुश है, ग्रामीण और कहना है कि हेलीकॉप्टर में बैठन आनंद आ गयो, स्वाद आ गयो। और मैं जो ग्रामीण है जाते जाते हेलीकॉप्टर हाथ है फोटो खिंचवा रहा है, और जो ने चढ़न लाभ मिलो वो तो बढ़िया बात है, और जिको ने चढ़न नो लाभ नहीं मिलो उर लिए ही मैं गहरी संवेदनाओं प्रकट करा। और उम्मीद करा कि अगली बार जिको ने आज नहीं चाड़े वो ने अगली बार चाड़े उर लिए हमारी संवेदनाओं है। और हेलीकॉप्टर थोड़ी देर फूका रुखा रहे हो हमें, बड़े उड़ो तापियोड़ो घणो है, हमें पाछो ऊँचो चढ़न वास्ते ये थोड़ो सो ठाडो करनो पड़ है, क्योंकि ये महीना 20-25 मिनट अलग अलग चरणों में बैठ गया। ये झलको रे बात है, आपने एक्सक्लूसिव वीडियो कैडो लागो एक बार ये ना शेयर कराया। और आजकल झलको रे वीडियो ना थे कम लोग देख रहे हो, ये की कारण है ये तो हाथ जोड़ विनती है हर वीडियो ने शेयर किया करो। और झलको थोड़े लिए मारवाड़ी में कंटेंट लिया करे, राजस्थान में सब बड़ो चैनल है झलको, तो थोड़ो भी फर्ज बने कि थे भी वो वीडियो ना शेयर करो। हेलीकॉप्टर सफाई कर्मी है उसको फूल नीचे डाल रहा है, और तो बढ़िया आयोजन हो, ग्रामीण बहुत खुश है, सिक्योरिटी चारों तरफ लवरेज है।